मैं एक और प्रस्तुति को लेता हूं। मित्रों एक बात बताओ, अपने ये फोटो लगी है, ये किनकी फोटो है? थोड़ा जोर से बोलो ना, वो क्या है? क्या है? कोई खड़े होकर व्यवस्थित बता सकता है क्या? तुरंत जल्दी, आरएसएस संघ के संस्थापक है संघ। इनका पूरा नाम कोई बता सकता है क्या? तुरंत बिना देखे, डॉक्टर केशवराव बल्लीराव हेडगेवार। बहुत बढ़िया, बजाओ ताली इनके लिए। ये फोटो किसका है भाई? अंतिम जो लटक रहा है, इन्होंने एक मंत्र दिया है, एकांत मानववाद। जरा सही बोलो ना, एकात्म मानववाद। और जिस सिद्धांत के कारण और जिस सिद्धांत से आज ये सरकार चल रही है, और उस सिद्धांत के कारण भारत पूरी दुनिया के अंदर, दुनिया के सारे देश आर्थिक तंगियों के अंदर, आर्थिक पिछड़ेपन के अंदर दब गए, लेकिन भारत दबा नहीं। इसका कारण एकात्म मानववाद। मित्रों देश जगत गुरु, विश्व गुरु और एक ऐसी अनेक इस प्रकार की घटनाएं आती हैं, चाहे महाभारत ले लीजिए, रामायण ले लीजिए, जिसमें देश के हर व्यक्ति को अपने आप में गर्व महसूस करने वाली घटनाएं भी आती है कि शाम हुई, युद्ध विराम हुआ, सभी अपने अपने टेंट के अंदर चले गए। मतलब एक धर्म युद्ध यह इस देश के अंदर देखा गया। उसके बाद ऐसे ऐसे राजा महाराजा हुए जिन राजा महाराजाओं को यह कहा कि देश में विभिन्न अकाल पड़ गया है और देश के लोग भूख के मारे इधर उधर घूम रहे हैं। अंत में ऐसे राजा महाराजा भी दिखे जिन्होंने अंतिम रोटी अपने बेटे के लिए रखी थी, अंतिम रोटी अपना बेटा भूखा है, लेकिन एक संत पर संत नामदेव क्या कहते हैं, हे स्वामी देवता कोड़ी रोटी मत खा, घी की घिलोड़ी लेके पीछे दौड़ते हैं, रोटी को चुपड़ के तो खा, ये इतिहास। ये इतना गर्व भरा इतिहास हमारा रहने के बाद विदेश मुट्ठी भर मुगल, मुट्ठी भर अंग्रेजों के अधीन क्यों हुआ? क्योंकि कहीं न कहीं व्यक्ति के अंदर स्वार्थ जगा, एक दूसरे की चिंता करनी बंद कर दी, मैसूर के महाराजा पर आक्रमण हो रहा है, राजस्थान का जोधपुर का महाराजा सोचता है मैसूर अभी तो आया है, अभी मेरे पर क्या है, यह देश एकत्रित होना बंद हो गया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उस देश की आजादी में जो जो लोग